ईद के मौके पर अल्लाह लिखे हुए बकरों की बढ़ रही है डिमांड। झुंझुनू जिले के गाडा खेड़ा का एक बकरा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उसे देखने के लिए और खरीदने के लिए व्यापारियों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि इस बकरे की खासियत यही है कि इसकी गर्दन पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, जिसकी वजह से काफी व्यापारी है वो इसको खरीदने में इच्छुक हैं। अभी तक इस बकरे की 5 से लेकर 7 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है, लेकिन इसके मालिक को अभी भी उम्मीद है कि इससे ज्यादा और रकम उनको मिलेगी और अच्छे खासे मुनाफे पे भी इस बकरे को बेचेंगे। बकरे के मालिक दिनेश ने बताया कि जब से उनको ये पता चला है कि यह बकरा एक अलग विशेषता रखता है, तब से इस बकरे को स्पेशल इस पे ध्यान रखा जा रहा है। पूरा परिवार इस बकरे का ख्याल रखता है। किसी व्यापारी ने उनको बताया था कि इस बकरे की गर्दन पे अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने भी काफी जगह इस चीज की जांच करवाई, फोटो भेज के, वीडियो भेज के, तो इस चीज की पुष्टि हुई कि वास्तव में इस बकरे की गर्दन के ऊपर अल्लाह अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। इस बकरे के बारे में पता चला है कि इसके ऊपर अल्लाह नाम लिखा हुआ है। कितनी साल का है ये? लगभग 12-13 महीने का। 12-13 महीने का है। क्या रिस्पांस व्यापारियों का, क्या कितना क्या रिस्पांस है? क्योंकि व्यापारियों का बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। इस पर दिन में भीड़ लगी रहती है, बहुत लोग इसे देखने भी आते हैं और बाकी फ़ोन भी दिन में बहुत ज़्यादा आते हैं इसके। कितनी क्या रेट अभी तक इसकी लग चुकी है? इसकी 6 से 7 लाख रुपये रेट लग चुकी है फिलहाल। आप क्या उम्मीद कर रहे हो? देखो, हजारों लाखों में एक बार ऐसा होता है तो उम्मीद तो बड़ी है इसके लिए। वैसे इसकी देख रेख में कैसे, क्या कोई स्पेशल अभी किया जा रहा है? जब से पता चला है कि इसके ऊपर कोई स्पेशल नाम है तो तब से इसकी देख रेख में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, इसकी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, इसके लिए आगे पीछे रहना पड़ता है। अभी कितनी और जो इसके अलावा और कितनी गोट हैं आपके पास? 10 से 15